हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल तो आज के वीडियो में दोस्तों जो में आपके लिए वैकेंसी लेकर आए हैं वो निकली है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में जी हाँ दोस्तों एनसीआर डेली में वैकेंसी निकली है पक्की सरकारी नौकरी है दोस्तों अच्छा इस मौके को अपने आप से बिल्कुल ना जाने दे तो चलिए दोस्तों बात कर लेते कौन सी वैकेंसी निकले कैसे आपको अपलाई करना डर मांगा क्या एल जी बी कर मांगा कैसे आपको तो प्रोवाइड की जाएगी उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बात की जाए दोस्तों अगर वैकेंसी इसमें मल्टीपल्स वैकेंसी निकली है दोस्तों जिसमें कि अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगेगी किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में ग्रेजुएशन किसी में टेंथ पास किसी में ट्वेल्थ पास इस वीडियो में दोस्तों हम टेंथ ट्वेल्थ पास वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो पहली वैकेंसी है दोस्तों वो है एलडीसी की टाइपिंग आनी चाहिए अगर आप में टाइप करते तो आपकी स्पीड होनी चाहिए पैंतीस वर्ड पर मिनट की अगर आप हिंदी में टाइप करते तो आपकी स्पीड होनी चाहिए लेवल टू के तहत तो आपको सैलरी दी जाएगी मैक्सिमम एज है वो मांगे सत्ताईस साल तक की बात करें अगर नेक्स्ट वेकेस्टेंसी निकली है वो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई मांगे ट्वेल्थ पास उसके साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस इसमें भी ऑप्शन है अगर आपके पास तीन साल का एक्सपीरियंस और आपने छह महीने का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो इसमें आपको दोस्तों प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें जो आपको दोस्तों सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी लेवल टू के तहत और आपकी जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है सत्ताईस साल तक की बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है ड्राइवर ग्रेड थ्री की जिसमें की जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई सिर्फ और सिर्फ टेंथ पास उसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ड्राइविंग फील्ड इसमें भी एक डिजायरेबल का ऑप्शन है आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की इसमें दोस्तों आपको सैलरी दी जाएगी लेवल टू के तहत और दोस्तों इसमें जो आपकी एज मांगी गई है वो मांगी गई है लिए सत्ताईस साल तक की बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है दोस्तों वो निकली है कारपेंटर की इसमें दोस्तों आप टेंथ पास होने चाहिए या आपके आपके पास आईटीआई इन रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए और दोस्तों इसमें आपके पास तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल टू के तहत इसमें दोस्तों आपको सैलरी दी जाएगी आपकी जो एज मांगी गई है वो सत्ताईस साल मांगी गई है बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है वो निकली है इलेक्ट्रिशियन की इसमें भी दोस्तों आपके पास आई सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी के साथ साथ आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज और वायरिंग और दोस्तों इसमें आपको जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है सत्ताईस साल तक की और जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी लेवल टू के तहत अब दोस्तों आप ये सोचेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है तो ये दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे आपको वहां जाना है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिल कीजिएगा दोस्तों आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं ओबीसी ओबीसी से हैं ईडब्ल्यूएस से हैं तो दोस्तों और आप लेवल टू से लेवल फाइव की वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो जो इसमें दोस्तों आपको फीस पे करनी है वो पे करनी है हजार रूपए अगर आप लेवल सिक्स से सेवन की वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो करनी है बारह सौ रूपए और अगर आप लेवल टेन से लेवल ट्वेल्व की वैकेंसी फिल कर रहे हैं दोस्तों तो इसमें आपको जो फीस पे करनी है वो करनी है पंद्रह सौ रूपए एस टी के लिए इसमें दोस्तों कोई भी फीस नहीं है अगर आप एस टी से हैं तो आपको इसमें पांच साल के तो आपको इसमें पांच साल के एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ओपीसी से हैं तो आपको इसमें दोस्तों तीन साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा लास्ट डेट दोस्तों जो है वो है उन्नीस मई दो तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 19 मई 2023 से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है ये पक्की सरकारी नौकरी है दोस्तों इस मौके को अपने आप से बिल्कुल ना जाने दे एडवर्टीजमेंट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे आपको एडवर्टीजमेंट को अपने आप गो थ्रू जरूर करना है दोस्तों उसमें और भी वैकेंसी है पै, पैसठ तरीके की वैकेंसी निकली है दोस्तों अगर आपको उन वैकेंसीज में से कोई वैकेंसी समझ में आती है तो आप उसे जरूर फिल कीजिएगा थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आर वीडियो